हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को छोटे बच्चे की 6 महीने तक के बच्चे की कैप, वुलन कैप बनाने का आपको बताती हूँ कि आप कैसे नापेंगे, कि उसकी कैसे नापा जाए। नाप लेने के लिए देखिए, मैंने पहले फेस का नाप लिया है। बहुत ही सरल विधि से मैं कैप बनाने की विधि बताती हूँ। और ये यहाँ से लेकर के ये नीचे तक बांधने तक का जा रहा है, यानी कि ये 14 इंच का जा रहा है। और फिर मैं यहाँ माथे से यहाँ से लेकर के, क्योंकि यहाँ फेस खुला रहेगा और पीछे से लेके यहाँ तक पूरा ढका रहेगा, यहाँ पर आ रहा है 10 इंच आ रहा है, यानी कि 10 इंच या फिर 11 इंच तक आप इसका ये रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये कैप बनाया है। इसमें मैंने 120 फंदे पूरे डाले थे और फिर उसके बाद मैंने 20 बॉर्डर बनाया है। फिर 20-20 फंदे किनारे किनारे रखने के बाद, जो कि बांधने के काम में आएगा, और फिर 80 फंदे बीच में रख लिए हैं। और 80 फंदों के इधर 6-6 फंदे दोनों तरफ मैंने, देखिए, बॉर्डर बनाते हुए पूरा सिंपल सा बिन लिया है। और इसको मैंने अभी मैंने नापा था कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 10 इंच है, तो इसके लिए मैंने ये नापा है, यानी कि ये 5, 5.5 है। थोड़ा बड़ा ही रखेंगे तो, यानी कि ये दोनों पल्ला अगर हम मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि 10 इंच का ये मेरा पूरा कैप तैयार होगा। 11 इंच देख लीजिए, ये इस तरह से आएगा। सिंपल एकदम है, बहुत ही सरल विधि से, और बच्चों को बहुत आसानी से ये लग जाते हैं, काम में ढक जाता है। और ये पीछे से यहाँ से इसकी ये सिलाई कर दूँगी। हाय फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।